आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से क्रांति नगर में, और आज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे काफी सारा रोड साइड पे कचरा पड़ा हुआ है, जबकि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमने हमारे औरंगाबाद सिटी को बहुत साफ सुथरा रखा है। आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं इस तालुक से। ये पीछे जो कचरा पड़ा हुआ है इतना सारा, तो ये कचरा कभी उठता नहीं है क्या यहाँ से? ये कचरा है ना, उठाने वाले आदेश नहीं, सबसे महत्व की बात है, उनको बोलना पड़ता भैया तुम आओ यहाँ पे कचरा उठाओ करके। ये लोग आते नहीं कचरा उठाने को। ये कचरा कहाँ का उठाते? ये कचरा होटल वालों का उठाते। होटल वाले उनको पैसे देते दे कचरा उठाने के। उनका जो गार्बेज रहता, प्राइवेट होटल वाले दुकाना वाले उनसे पैसे लेते और कचरा उनका उठाते। ये आम जनता का जो कचरा है यहाँ पे का, उनको बोलना पड़ता 10-10 बार। जरारे साहब जब वार्ड अधिकारी थे तब जरारे साहब के पास हमने निवेदन वगैरह दिए, 10-10 बार दिए, यहाँ का कचरा उठाओ, बच्चे बीमार पड़ रहे, ड्रेनेज फूटे हुआ है, 1 साल हो गया यहाँ का नाले का ड्रेनेज फूटे हुआ है, वो ड्रेनेज भी अब तक ठीक करवाया नहीं। 10-10 बार हम वो जेटिंग मशीन को बुलाते। अभी असदुल्ला खान साहब वार्ड अधिकारी बन गए, अब उन्हों क्या करते, गाड़ी भेजते, वो गाड़ी वाले आते यहाँ पे देखते और चले जाते, कोई काम नहीं होता। ये यहाँ पे चेम्बर है, तुम देख सकते हैं, अभी यहाँ पे 2 बच्चे गिरे, छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते। उसके बाद में आगे जहाँ पानी रुकता है, जमा होता है, वहाँ पे पूरा खोद के रखे हुआ है नाला। वो नालों को बनाने के वास्ते हमने जरारे साहब को 2 बार निवेदन दिए, अभी भी वो नाला वैसी की वैसी। वो आते हैं पर कभी कचरा, अगर आते रहते थे तो कचरा नहीं रहता था वहाँ पे उतना, अगर आते थे तो कचरा नहीं रहता था ना वहाँ पे। इस तालुक से आपने कभी महानगर पालिका या म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब को कंप्लेंट की थी? हमने म्युनिसिपल ऑपरेशन में जाके, ऑफिस में जाके हमने की थी कंप्लेंट, पर वो एक बार आए, बाद में कभी आते नहीं वापस। वो जैसे बोले भैया क्या आपको स्मार्ट सिटी लगता है? नहीं है कचरा, ये कचरा है, कभी कभी आती गाड़ी, कभी आ रही नहीं गाड़ी, इधर महीना महीना कभी कभी आ रही नहीं, लोग बाहर का कचरा उठाते, यहाँ का उठाते नहीं, ऐसा मसला है। ये क्या है, हम भी काम को जाते, कभी आते कभी नहीं आते। और वो ये ड्रेनेज देखो, सब क्रांति नगर का हमारा वो फूटे, ऊपर से पानी का करके नाल में खोद दिए, सब वो ड्रेनेज की ऐसे बैठने नहीं जाता है। सब क्रांति नगर का यहाँ फूटा हुआ है, उतरे तो इधर फूटा हुआ, तो इधर नीचे फूटा हुआ ना फोड़े हम, क्यों तो वो घर में पानी जा रहा है वो ड्रेनेज का, तो इसलिए कुछ सबको बोल के वो इनको उनको कोई नहीं सुनते। यह लीक हो गया, ये उससे पानी ड्रेनेज का फूट गया, नीचे सब ऊपर पानी आता है, नहीं बर को खोदते तो घर में जाता था वो ड्रेनेज का पानी। ठीक, वो जरा देख के वो ये ड्रेनेज लाइन साफ करने को बोलो जरा। वो कचरे वाले गाड़ी वाले आते तो यहाँ पे कचरा उठा देने, वो अंदर कॉलोनी का जो कचरा उठाते, और हमने बोले भी तो वो बोलते करते करते बोलते आते नहीं जल्दी, और इधर चंबर भी फूटे हुआ है, बांस आती, घर में पानी जाता, नाली के काम करे नहीं, कुछ भी नहीं, और वो आते जाते रहते खाली, मगर काम करते नहीं। महानगर पालिका में कंप्लेंट किए जाके? हाँ करे थे कंप्लेंट। कब करे थे? अभी हाँ 15-20 दिन हो गए थे, तो करे थे कंप्लेंट। हाँ फिर भी उन्होंने नहीं सफाई नहीं किया, साफ सफाई नहीं करे, कचरा वैसी वैसी जी। तो आज आपने देखा, हमने यहाँ पे क्रांति नगर की जनता से बात की है, और यहाँ की जनता का कहना इतना ही है कि महानगर पालिका के लोग यहाँ पे लापरवाही बरतते हैं और यहाँ से कचरा नहीं उठाते, और यहाँ के चैम्बर लाइन्स भी काफ़ी पूरे सारे चौकअप है क्रांति नगर की, और यहाँ के लोगों की इतनी मांग है जल्द से जल्द इनके पूरे मसले हल कर दिए जाए। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।